उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर निगम ने बलभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईज की संपत्ति कुर्क कर ली है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम बनभूलपुरा स्थित मलिक के घर पहुंची और आलिशान घर की संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्की का वीडियो खुद सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन की टीम ने कुर्की के दौरान घर के दरवाजे तक उखाड़ ले गयी। इस टीम की अगुवाई हल्द्वानी के एसपी सिटी हरबंस सिंह ने की, जिसमें ललंकुआ की सीओ संगीता, हल्द्वानी के तहसीलदार सचिन और थानाध्यक्ष कालागुड़ी समेत पुलिस तथा प्रशासन की टीमें मौजूद रही। इस बीच बनभूलपुरा क्षेत्र हिंसा में शामिल फरार अभियुक्तों के पुलिस ने पोस्टर जारी किए। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर अब लगातार पत्थरबाजी और दंगे में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस तेजी के साथ काम कर रही है। वहीं फरार अन्य दंगाइयों के घरों में भी प्रशासन और पुलिस की टीमों ने कुर्की करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आज बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईज सहित 9 लोगों का पोस्टर जारी किया है, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उनकी कुर्की की कार्रवाई भी हो गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम के बलभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को 2,44,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। साथ ही इन फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में पुलिस द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा बलभूलपुरा हिंसा में शनिवार को दंगाइयों को और गिरफ्तार किया गया। अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। आपको बता दें 8 फरवरी को भड़की हिंसा के उपद्रवियों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव किया था और वाहनों को जलाने के बाद बलभूलपुरा पुलिस थाने को भी जला दिया था। घटना के दौरान पुलिस ने भी बल प्रयोग किया था। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।